सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है इटारसी के पहले एक छोटा सा स्टेशन है, तो मेरी बुआ वहाँ रहती हैं, तो हम लोग वहाँ पे उनको विजिट करने के लिए आए हुए हैं। जल्दी जा भाई। इटारसी के पहले एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है बागाता। तो मतलब कि भाई यहाँ की ब्यूटी, मतलब बहुत ही शांति है यहाँ पे, कि आप बिल्कुल चिल रह सकते हैं यहाँ पे। कोई सिटी का ऐसा पॉल्यूशन और शोर शराबा नहीं है। तो दिखाते हैं आपको कि यहाँ की ब्यूटी कितनी प्यारी है। मतलब कि जस्ट मेरे जो फूफा जी हैं वो हैं स्टेशन मैनेजर, तो मतलब कि उनको एक रेसिडेंस मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब क्वार्टर जो होते हैं वो मिला हुआ है। तो जस्ट ही मतलब स्टेशन से ही लगा हुआ जो उनका वर्क डेस्क है वो, और घर है ये और ये बिल्कुल घर है। और यहाँ देखिए ये स्टेशन है, और यहाँ आगे उनका ऑफिस है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जब भी ब्लॉगिंग करता हूँ तब मंदिर जाने, कई ब्लॉग जब भी करता हूँ तब मंदिर जाता हूँ। तो ऐसा है कि देखिए ट्रेन आ रही है, देखिए एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ दिस स्टेशन इज दैट कि ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। तो इस स्टेशन को अवार्ड भी मिल चुका है, ऑफ द बेस्ट स्टेशन इन द स्टार टू स्टार इटारसी जंक्शन टू बी वेरी क्लीन। सो आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, ये लिखा रहता है यहाँ पे कि समुद्री तल से ऊंचाई। सो ये एक चीज़ है कि इसमें लिखा रहता है कि समुद्री तल से ऊंचाई। सो दिस प्लेटफॉर्म और दिस जंक्शन जो भी लिखा रहता है वो उसकी जो समुद्री तल होता है, मतलब सी लेवल होता है, जो उसके ऊपर की ऊंचाई होती है वो। तो हर भी कोई भी स्टेशन रहेगा उसके जो सिंबल रहेगा ना, यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा रहेगा उसके नीचे ज़रूर लिखा रहता है कि ये सी लेवल से कितना ऊपर है। सो ये स्टेशन जो है बागड़ा तवा, ये समुद्री तल से, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट्स 333.09 meters। हाँ ये सो ये एक इन्फॉर्मेशन की चीज़ होती है कि आप कहीं भी हो तो आपको पता हो कि इट्स जस्ट एन जनरल नॉलेज कि यार आपका जो समुद्री तल से आपका जो यहाँ पे आप रह रहे हो वो कितना ऊंचा है। ऐसा पे जा रहे हैं सलकनपुर मंदिर जा रहे हैं वहाँ पे, तो तब हम आपको रिकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ तब हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। हाँ रिकॉर्डिंग भी, व्लॉगिंग दिखाएंगे। Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out soon. जा रहे हैं रोपवे से, क्योंकि इसको मस्ती करना था, मतलब रोपवे में देखना था और हमें ऊंचा है मंदिर, तो रोपवे से जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं और फिर अच्छा भी लगेगा देखने में। तो बस जाएंगे मस्ती करेंगे, मस्ती बैठे रहेंगे। तो यार मतलब मैं धीरे धीरे अच्छा होता जाऊंगा, तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो उसको माइंड मत करिएगा, थोड़ी बहुत इधर उधर निकल जाता हूँ कभी कभी। वो 1000 फिट ऊपर है, मतलब कि 1000 फिट पहाड़ जो है लेवल है इसका वहाँ पे। और ये इसमें जो मंदिर में जो सीढ़ियाँ स्टेप्स हैं वो है 1400 स्टेप्स। तो हम लोग ने तो रोप वे का रास्ता लिया और फिर उसके बाद सीधे डायरेक्ट ऊपर आ गए, तो हम लोग को बिल्कुल एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ी। पर स्टेप्स जो आते हैं फिर यहाँ पे, या फिर जो मन्नत मांग के आते हैं वो स्टेप्स लेके आते हैं, और फिर उसके बाद 1400 सीढ़ियाँ चलते हैं यहाँ पे। तो फिर यही है मतलब कि यहाँ पे जो माता है उनका नाम है विद्यावासिनी माता, और जो इनको बीजासन माता भी कहा जाता है। तो इनको बोलते हैं कि ये जो दुख होता है, मतलब कि जो अपने यहाँ पे निराशा होती है, दुख होता है, उसको यहाँ पे दूर करती हैं वो। तो बस ये वो उनके लिए है। तो बस मैं बोल रहा था कि हर मंदिर को आप दर्शन करके आते हैं, पर उसके पीछे की हिस्ट्री क्या होती है ये जानने में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है मुझे, तो मैं बता रहा हूँ बस आपको, जस्ट थोड़ी सी नॉलेज बस आपको। बाकी पीछे का व्यू दिखाते हैं।
मानना ही पड़ेगा ना। तो विजिट हो गया कंप्लीट, और फिर उसके बाद आके, तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। विन अभी बुला रहे हैं, बुआ को बुला रहे हैं, बुआ को रुको, फूफा जी को भी बुला रहे हैं अब तो, रुको रुक जाओ, मेरे पास सबूत आ गया बस। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। Can we be what we always dreamed of?